हेलो डियर क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सिक्स बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स एक्सरसाइज नंबर 6.4 पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर नाउ क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू से ट्रपीजियम ए बी सी डी एक ट्रपीजियम हमारे पास है एक ट्रपीजियम हमारे पास है मान लीजिए ये है एक ट्रपीजियम कोर्डिनेटर ट्रिपीजम है हमारे पास मान लीजिए ए बी ये सी डी है ए ट्रपीज इंटरसेक्ट एट इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो सच दैट ये ट्रिपीजम ये, ये जो है ये ये जो हमारे पास कॉर्डिनेटर है ट्रिपीजम है सच दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ टाइस सी डी इफ ए बी इज ट्वाइस सी डी अगर ए बी ए जो डी सी एक्स है ये ए बी टू एक्स होगा सिंपली ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस डी सी अब हमें प्रूव क्या करते हैं फाइंड द रैशो ऑफ द एरिया ऑफ ए ओ बी ए बी और डी ओ सी का रैशो ढूंढना है पहले हम ये देखेंगे कि ए बी और डी ओ सी जो है ये दोनों सिमिलर है अगर हमें ये पता चला तो ओब्वियसली हमें आसानी होगी फिर हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें थ्योरम तो हमारे पास गिवन क्या है गिवन हमारे पास है कॉर्ड लेटर ए बी सी डी इज ए ए बी सी डी इज ए ट्रपीजियम ये ट्रपीजियम है तो बाबा जब एक ट्रपीजियम है तो ए बी इज पार्लर टू ए बी इज पार्लर टू डी सी ऑल्सो हमें एक और चीज दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू टू आइस डी सी ये सब्जेक्ट ये मैटर है तो ये हमें दिया हुआ है नौ हम क्या करेंगे इसमें हम इसमें टू फाइंड हमें ढूंढना इसमें यह है कि ट्राइंगल ए बी एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राएंगल डी ओ सी इज ये हमें ढूंढना है इसका रेशो हमें ढूंढना है हम प्रूफ करेंगे इसमें इन ट्राइंगल ये हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी ए बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी ये दोनों हम लेंगे तो पहले जो हमारे पास ए ओ बी है ए बी एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी क्यों ये बराबर है ए ओ बी और डी ओ सी हमारे पास क्यों बराबर है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल अगर मैं आपको ये बताऊंगा एक और चीज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंगल ओ ए बी एंगल ओ ए बी ये वाली ये वाला देखिए हमारे पास अगर हम लेंगे दो पारल लाइनज इसमें से एक ट्रांसवर्सल ऐसे डालेंगे दूसरी ट्रांसवर्सल ऐसे डालेंगे तो ये एंगल्स जो बनेंगे वर्टिकली अपोजिट ये एंगल जो होगा ये एंगल इसके बराबर होगा ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो दो चीज़ें हमें दो एंगल निकल गई तो तीसरा इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है जब ये सिमिलर आ गई तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा एंगल ओ ए ए ए बी 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 ओ ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी क्यों क्योंकि ये कॉरस्पांडिंग एंगल्स है कॉरस्पोंडिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है जो हमने ट्रांसवर्सल डाला था ये जो पारल लाइन्स है अगर हम इसमें ट्रांसवर्सल डालेंगे तो ये अपोजिट एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट होंगे तो ये एंगल जो होगा ये एंगल इसके बराबर होगा ये एंगल जो है वो एंगल इसके बराबर होगा तो ये ओ सी डी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्यों क्योंकि ये कॉरस है ये एंगल जो होगा ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के क्योंकि ये कॉरस है क्योंकि ये दो ए बी पारल है डी सी के तो इसलिए हम ये कह सकते हैं दियर फोर ट्रा एंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्रा डी ओ सी ओ डी बाय बाय एंगल एंगल क्लोरलरी कोरो लरी जब ये दो चीजें दो जब ये दो चीजें हमें निकल गई जब ये दो चीजें हमें इजीली होगी इजी होगी तो हम आसानी से अब थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स सी ओ डी इज इक्वल टू स्क्र ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइडस ए बी डिवाइडेड बाई सी डी होल स्क्यर मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे टू ए बी किसके बराबर है ए बी टू डी सी के बराबर है टू डी सी डिवाइडेड बाई टू डी सी डिवाइड बाई डी सी तो होल स्केर लिखेंगे डी सी ओ डी सी गया टू डिवाइड बाई वन होल स्क्यर तो हम लिखेंगे फोर बाई फोर बाई वन अब इनका रेशो क्या हो, आएगा फोर इज टू फोर इज टू वन अब हमारे पास रेशो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी इज टू तो, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी अब किसके बराबर आएगा फोर इज टू वन के बराबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ये करिएगा प्लीज